अगर आपका सिस्टम भी बार बार ऐसे ही दिखाता है बूट ऑन होने पर, हर बार बूट करने पर आपको यही प्रॉब्लम पेश आ रही है, हर बार यही प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम आ रही है, तो चैनल पर बने रहिए। मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू गेट रिड ऑफ फ्लॉपी डिस्क फेल सीएमओएस चेकसम एरर, और ये जो वार्निंग आती है ना सेफ मोड, इसको कैसे करना है सेटिंग। यूजुअली वी हैव टू ऑप्शंस, या तो हम लोड ऑप्टिमाइज डिफॉल्ट्स में जाकर के है ना यस कर देंगे, और या तो हम जो है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सीएमओएस में जाकर के चेक करेंगे। यहाँ पर ड्राइव ए को अगर हम चाहें तो नन कर सकते हैं, इससे जो प्रॉब्लम आती है काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। बैक करेंगे, एडवांस्ड चिपसेट फीचर में जाएंगे, इसके बाद में सिस्टम बायोस कैचेबल है इसको इनेबल करेंगे, सीपीयू फीचर्स को देखेंगे, वर्चुअलाइजेशन इनेबल है, ऑटो पे है, ओके F10 और यस 7 एग्जिट करेंगे। देखा बिना प्रॉब्लम के हम लॉगिन कर चुके हैं। अभी फ़िलहाल के आप वो F1 करके जा सकते हैं अंदर, आपको अंदर जाना है बने रहिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है आगे। तो ये था इजी स्टेप आपको सिखाने का, पर ये प्रॉब्लम आपको बार बार आती रहेगी, इसको परमानेंटली सॉल्व करने के लिए इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे अपडेट किया जाता है अपने बायोस को, क्योंकि आपने देखा मेरे रीसेट या लोड ऑप्टिमाइज्ड करने पर 2009 दिखा रहा, जो कि मेरा परचेज ईयर है यानी इस प्रोसेसर का। तो हमें बायोस को अपडेट करना होगा अपने प्रोसेसर को जो है अपडेट रखने के लिए, इसलिए जो है इसमें वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आपको बताता हूँ। आइए चलिए देखते हैं हाउ टू अपडेट बायोस। हमें मेमोरी थोड़ी सी चाहिए होगी, ज़्यादा तो नहीं चाहिए, थोड़ी मेमोरी में काम बन जाता है इसमें, तो ज़्यादा नहीं चाहिए, पर मैं मेरे पास तो ये सैंडिस्क का 2GB का है, मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ। ये सैंडिस्क का मेरे पास है, मैं इसको यूज़ करूँगा पेन ड्राइव। आप अपना SD कार्ड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं उसके साथ भी, जो है ये SD कार्ड USB स्टोरेज के जरिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। ब्लड विजन के लिए आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि ठंड बहुत है, मैं हाथ से वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है, इक्विपमेंट है नहीं मेरे पास। तो ये पेज हमारा खुल चुका है, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें जाना है अपने, आपके पास जो भी हो, मेरे में तो माइक्रोसॉफ्ट एज है, आपके पास क्रोम या ओपरा या जो भी हो आप इसके ज़रिए से जो है पहले तो नेट को ओपन करना है। ये चलते हैं नेट को ओपन करते हैं पहले। एकदम रियल और इजी तरीका आपको बताऊंगा, बायोस अपडेट नहीं होने की वजह से ये मेरे स्लो रहा है, ये भी आ रहा है विंडोज 10 इंस्टॉल किया हुआ है, और बायोस अपडेट होना ज़्यादा जरूरी है विंडोज 10 सपोर्ट के लिए भी। यहाँ से भी खुलता है, यहाँ से भी खुलता है, दोनों जगह से खुलता है, यहाँ ध्यान रहे पर क्लिक कर देने पर थोड़ी देर वेट करनी, हो सकता है कि बैकग्राउंड में पेज ओपन हो रहा हो, कई बार जल्दबाजी में बार बार क्लिक करने की जैसे मैं करूँगा, ये मैंने किया फिर क्लिक, तो क्या होता है कि प्रोसेस स्लो हो जाता है, क्योंकि ऐसा पता है प्रोसेस आप एक साथ ही पेज खोल रहे हैं, लगता है सर बार बार क्लिक करने से जल्दी हो जाएगा, जल्दी नहीं होता है, इसलिए होता है। देखिए एक साथ ही पेज खुल जाएंगे, तो जैसा कि मैंने कहा था कई सारे पेज खुलते ही जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे पेज खुल जाने पर आपको जाना है support.amd.com, क्योंकि मेरा प्रोसेसर AMD का है तो मैं AMD में जा रहा हूँ। आपका जो प्रोसेसर हो आप सपोर्ट डॉट उस प्रोसेसर का, कोई इंटेल का है या किसी का कोई भी है ना, इसमें डाल सकते हैं .com में जाकर के, हमें जो है support.amd.com में हम रहेंगे ड्राइवर्स। देखिए मेरे ही चैनल जो है डिस्प्ले कर रहा है एड्स में,
तो AMD ड्राइवर्स में के सपोर्ट पेज में हम आएँ तो इसमें जो है हमको ये देखना है कि जो ओरिजिनल AMD का है वो कौन सा है। वैसे तो यहाँ बहुत सारे आ गए, लेकिन ये जो है AMD का रेडियोन का है, कस्टमर सपोर्ट रीजन का है। जो हमें चाहिए वो कहाँ है, माइक्रो डिवाइस MDG स्मार्ट एक्सेस मेमोरी AMG का है। ऐसा करते हैं, हम ऑटो अपडेट में जाते हैं, ये ऑटो जो है ऑटो डिटेक्ट करेगा। ये देखिए यहाँ पे ड्राइवर अपडेटर ऑफिशियल आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद इसको इंस्टॉल करना है, ये ऑटो इंस्टॉल कर देगा।